बैक टू यू वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू। मेरे साथ मोहम्मद अली शेखी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड लवली परफॉर्मेंस। वो तो बहुत ही खूबसूरत थी। ऑफ कोर्स जैसे जैसे वक्त चलता जाएगा परफॉर्मेंस के रिक्वेस्ट आती जाएगी, बट मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। प्लीज लेट मी डू दैट। अगर आप 10,000 रुपए जीतना चाहते हैं, वंस अगेन यू वांट टू सी द गाय, यू वांट टू सी शानी, शानी को देखना चेक के साथ, या हियर वी गो, 10,000 रुपए का चेक जी हम आपको देने जा रहे हैं, साथ साथ इसमें ऐलान भी है। हियर वी गो, 10,000 रुपए, यू कैन विन, आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए। लेकिन मुझे SMS करना पड़ेगा, चाहे लिखिए, पेश कीजिए, मैसेज लिखिए, पेश कीजिए, नाम लिखिए, 10-4-3-6। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 02135068114। और जो हमारी विनर है कल की, जिन्होंने 10,000 रुपए जीते हैं, दैट इज सुमायला फ्रॉम इस्लामाबाद। मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो सुमायला। हमें SMS करने का टाइम कल 1 बजे तक है दोपहर में, और SMS इश्क के बारे में हम मांग रहे हैं। शेखी साहब, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इश्क? इश्क क्या होता है आपके लिए? इश्क क्या है? इश्क इज एवरीथिंग। इश्क नहीं होता तो कायनात नहीं होती। ये तो है। आपने कितनी मर्तबा किया? पता नहीं कितनी मर्तबा, गिनत मर्तबा। मतलब ये कि अब इश्क से पता नहीं आप लोग क्या मतलब लेते हैं। ये वही मतलब ले रहे हैं जो आपने किया है। आर्टिस्ट स्पेशली आर्टिस्ट या सिंगर या शायर, उसको तो कॉन्स्टेंटली लव में रहना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं कि एक ख्यालाती भी हो सकती है ना। गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बात तो ये लेडीज एंड जेंटलमैन, शी स्टार्टेड। एक काम करते हैं ना, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, अंदर ऑफकोर्स उनसे हम बात करेंगे। ये है उनका पैकेज। एंड हो जाता है कभी कभी, फंस जाती हैं चीजें। हियर वी गो, प्ले, यस प्ले एंड इसलिए मैंने इन्हें खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दूंगी, सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, मैं सबको मार दूंगी, किसी ने मुझसे रूप का ताल्लुक नहीं रखना चाहा, शिकार की तरह तकसीम किया मुझे। तुम मेरे को, इन्होंने मुझे अंदर से मारा, तुमसे है और मेरे पास से मार डाला, नाम बराबर मैंने बदला ले लिया, मैंने उनका बदला ले लिया। माँ रानी बनकर बेटी रहती हैं, एक गिलास पानी तो उठकर पीती नहीं है, मिनट मिनट बाद दौड़ो उनकी खिदमत के लिए गुलामों की तरह। अब आई तू, पता नहीं कब से काम खत्म करके बैठा हूँ, तेरे इंतजार। पापा, घर का काम खत्म होता तो आती ना, बड़ी मुश्किल से अम्मा से झूठ बोल कर आई। क्या तो नहीं दी आती तो क्या फर्क पड़ जाता? तुझे कौन सी फिक्र है मेरी? तेरी ही तो फिक्र है। Well, ladies and gentlemen, please put your hands together for the wonderful, the very pretty Sara Umar. सारा, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ यू एंड शेखी साहब इज हियर, आई थिंक अब शो बहुत अच्छा जाएगा। पहले भी बहुत अच्छा जा रहा था, बट अब बहुत, मैं अकेला था ना उस बात, मैं अकेला था, मैंने आपका भी कहा और इनका भी कहा, दोनों की वजह से शो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप बताएं आप कैसे? गुड गुड, वेरी गुड। मेरी बहुत बड़ी विश पूरी हो गई आज आपके साथ बैठने की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनर द रोल हियर मेरे पास है। अच्छा, यू टेल मी, शेखी साहब कैसे लगते हैं आपको? इनकी तो मेरी मदर बहुत बड़ी फैन है और मैं भी। ये
फिर बहुत लोग कहते हैं मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूँ, मैं बचपन से देख रहा हूँ। भाई आप बचपन से देख रहे हैं तो मैं भी उसी एज का था, मैं आपके साथ साथ बढ़ा हुआ हूँ। तो ये कि ठीक है, नहीं मैं काफी अरसे से देख रही हूँ बचपन से। मुझे बड़ा इस बात पे फखर तो नहीं कहना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी होती है, अल्लाह की देन है कि मुझे बच्चे से लेकर जवान तक और बूढ़े तक मुझे पसंद करते हैं। मुझे बहुत बहुत करम है अल्लाह। आपको मैं बताऊं, आपको मेरी मदर बहुत पसंद करते हैं, शी इज वॉचिंग राइट नाउ। शी टेल्स मी कि जब भी आपको मिली नगमा गाते हैं आप बहुत दिल से गाते हैं। एंड यू रिमेंबर दैट जब मैं ह्यूस्टन के अंदर आपसे मिला था तो भी मैंने आपको ये बताया था, बिकॉज आई टेल यू मेरी मदर जो है वो शेखी साहब की बहुत बड़ी फैन, लिटरली शी इज एन अनबिलीवेबल फैन ऑफ शेखी साहब। सो अम्मा मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया, शेखी भाई को पहुंचा दिया, दूसरी मरतबा पहुंचा है। अब मैं अपनी अम्मा का पैगाम पहुंचा दूं प्लीज प्लीज, लेकिन वो आपके लिए। उन्होंने कहा था कि जाते ही साहिर को मेरी तरफ से हग देना। ऑन स्क्रीन देना तो ये मैंने मैं नहीं नहीं मैं ही दूंगी क्योंकि मेरी भी विश है। तो प्लीज यस यस ऑफ कोर्स अब अपनी मदर को मेरी तरफ से क्या नाम है उनका? एंजेला में, मिसेज एंजेला में। एंजेला मैम थैंक यू सो वेरी मच, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, सिर्फ मैंने इनसे पूछा कि मुझे पता होना चाहिए, बट थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट वंडरफुल विश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप मैसेज करना चाहते हैं 436 पे 10,000 रुपए जीतना चाहते हैं, वॉट इज इश्क फॉर यू? आपके ख्याल में सारा क्या है इश्क? इश्क शेखी साहब को देखिए, सोच रही कि मैंने जो बोला है उसके हिसाब से बोले। इश्क वही है जो ज्यादातर लड़कियां आपसे करती हैं। मोस्टली लड़कियां साहिल लोधी से इश्क करती हैं, यही इश्क है। अच्छा मुझे नहीं पता कि आज मेरा मतलब रोस्ट हो रहा है या शो हो रहा है। नहीं आपका शो हो रहा है। अच्छा नहीं नहीं बट सीरियसली व्हाट इज इश्क टू यू? इश्क एक व्हाट कैन आई से अबाउट इश्क? अब तक इश्क मुझे हुआ नहीं। आपके साथ बराबर में सीनियर बैठे हैं, उनसे पूछो आप बताइए, गाइड करें मुझे। इश्क मींस लव, लव बिटवीन टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग, एक अनएक्सप्लेन्ड अट्रैक्शन होता है लोगों में, एक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन नॉट बी प्लान, इंटेंशनल। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पेशियर करते हैं, हमारा एक सेगमेंट होता है वी कॉल इट सच या झूठ, ठीक है? हम मैं आपसे एक स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, आप दोनों ने कहना है या तो वो सच है या झूठ है, ओके ठीक है? लेकिन एक छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग सी सेगमेंट है, उसके अंदर आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। बंदर चाइनीज जबान समझ सकता है, ये सच है या झूठ है? इसका फैसला होगा कौन समझ सकता है? मंकी, मंकी, मंकी कैन अंडरस्टैंड चाइनीज, ठीक है? दैट्स अ स्टेटमेंट, दैट्स अ स्टेटमेंट, या तो ये सच है या झूठ है, इसका फैसला होगा कब? छोटी सी ब्रेक के बाद। 10,000 रुपए के लिए तैयार रहिए, 436 हमें SMS करने का नंबर है, आप अपना नाम लिखेंगे, पेज देंगे, नहीं एक मिनट भूल गया मैं, नाम नहीं लिखेंगे, यस मेरा नाम लिखेंगे, SHIR लिखेंगे, स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर अपना नाम लिख के सेंड इट टू 436, विल बी राइट बैक।